सदगुरु नैनीताल साहब की एक साखी है, अंतस्थ स्थिर ज्वाला रहित, अब है न चिंता जब, फिक्र रहित मन नीरथ जह, शोध यथारथ तब। संतों गुरुजनों के सत्संग से सदग्रंथों के अध्ययन से यह जानकारी तो हो जाती है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, जड़ तत्वों से सर्वथा पृथक। लेकिन जानकारी होना अलग बात है और यथार्थ बोध हो जाना ये बिल्कुल ही अलग बात है। तो यथार्थ बोध कैसे हो, अपने स्वरूप का शोधन किस प्रकार से हो, कैसे इसमें मन टिके, इस साखी में सदगुरु विशाल साहेब कुछ सूत्र बताते हैं उसके लिए। पहली बात है अंतस्थ स्थिर, अंतःकरण का शांत होना। हमारा अंतःकरण हर समय अशांत रहता है, स्थिर नहीं रह पाता है। अंतःकरण में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ये चार आते हैं। चारों का अपना अपना काम है। मुख्य बात है मन का शांत होना। जैसे पानी में तरंग उठ रही हो और हम उत्तरंगायित पानी के पास जाकर के खड़े हों तो हमारा प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं पड़ेगा, हिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। पानी शुद्ध हो, गंदगी से रहित और स्थिर हो, तब उसमें अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही हमारे मन की भी बात है, गंदगी से रहित हो और स्थिर हो, एक चित्त हो, एकाग्र हो। अब चित्त ही स्थिर नहीं है, चंचल बना हुआ है, एक पर एक विचारों पर विचार आते चले जा रहे हैं। स्वरूप का यथार्थ शोधन नहीं हो सकता, साक्षात्कार नहीं हो सकता।
चित्त की एकाग्रता चाहिए और साथ साथ एकाग्र के पश्चात विचारों का आना बंद होना चाहिए। एकाग्र का मतलब तो होता है किसी एक विषय में रुक जाना, किसी एक विषय का चिंतन करते रहना। योग दर्शन में, योग दर्शन का भाष्य करते हुए व्यास जी ने चित्त की, मन की पांच भूमियां बताई है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। मन जब क्षिप्त भूमि में होता है तो अत्यंत चंचल होता है, किसी एक विषय पर स्थिर होता ही नहीं है। इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है और रजोगुण का अर्थ ही है चंचलता, क्रियाशीलता, उसमें स्थिरता नहीं होती है। एक के बाद एक, एक के बाद एक विचार आते चले जाते हैं। और वो विचार भी दुनियादारी राग रंग के विचार ज्यादा होते हैं। इसमें चित्त कहीं ठहरता ही नहीं है। दूसरी भूमि है मूढ़, आलस, प्रमाद, निद्रा, तंद्रा, मूढ़ता से भरा हुआ मन, अंधकार, अज्ञान से आच्छादित। क्योंकि इस भूमि में तमोगुण की प्रधानता होती है और तमोगुण का अर्थ ही है अंधकार, उसमें कुछ सुझाई ही न देना, अच्छे बुरे कर्तव्य कर्तव्य का कुछ भान ही नहीं होना है, कुछ करने का मन भी नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है तो आलस प्रमास में डूबा रहता है मन। तीसरी भूमि है विक्षिप्त। वैसे विक्षिप्त हम उसको कहते हैं कोई आदमी जैसे पागल जैसा हो, कहते भाई वो विक्षिप्त है, लेकिन वहाँ यहाँ ये अर्थ नहीं है। विक्षिप्त अवस्था में, विक्षिप्त भूमि में मन काफी कुछ शुद्ध रहता है और शांत रहता है, क्योंकि विक्षिप्त भूमि में सतोगुण की प्रधानता होती है और सतोगुण निर्मल होता है, प्रकाशवान होता है, सुखद होता है। लेकिन बीच बीच में इस भूमि में रजोगुण और तमोगुण जोर मारता रहता है, शांत रहता है मन, अच्छे विचारों में डूबा रहता है, लेकिन बीच बीच में रजोगुण जोर मार देता है, कभी तमोगुण जोर मार देता है, फिर मन चंचल हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझ लें, कहीं एक दीपक जल रहा है, उसका प्रकाश फैल रहा है,
हवा का झोंका आता है, दीपशिखा हिल जाती है, ऐसा लगता है कभी कभी बुझ जाएगी। बस ऐसे ही है, विकसित भूमि में ज्ञान का उद्घाटन रहता है, लेकिन जब रजोगुण या तमोगुण जोर मार देता है लगता है कि जैसे ज्ञान लुप्त हो जाकर ढक रहा है। चौथी भूमि है एकाग्र, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, ये तीनों भूमियां साधना की कोटि में नहीं आती है, क्योंकि इसमें चित्त चलायमान रहता है, मन चलायमान रहता है। चौथी भूमि एकाग्र, किसी एक विषय में मन का ठहर जाना, एक विषय के चिंतन में ही डूबे रहना, एकाग्र का अर्थ होता है एक अग्र, एक मतलब एक अग्र मतलब सामने, चित्त के सामने मन का कोई एक विषय होना, और वह विषय भी शुद्ध होना। जैसे गुरु के चित्र को लिए मन में, उसी में मन को रोक दिए, देर तक ठहरा हुआ है मन उसी गुरु चित्र का याद करते हुए, चिंतन करते हुए, सांस देख रहे हैं उसी में मन रुक गया है और कुछ नहीं सोच रहा है, ज्योति देख रहे हैं, नाद सुन रहे हैं, कोई भी एक शुद्ध विषय देर तक उसमें मन का ठहरना, और कोई दूसरा विषय मन में ना आना। मन पूरी तरह से जागृत है, जिस विषय को लिए हैं उसका पूरा का पूरा ख्याल है, ज्ञान है, लेकिन उसमें ही डूबा हुआ है। तो ये समाधि और ध्यान की कोटि में इस भूमि को गिना जाता है, इसी को कह दिया जाता है संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात का अर्थ होता है अच्छी तरह से जाना हुआ, ज्ञात का मतलब है जाना हुआ, और ज्ञात में सम और प्र ये दो उपसर्ग लग जाते हैं तो संप्रज्ञात शब्द बनता है, अच्छी तरह से जाना हुआ। सांस देख रहे हैं, हम जान रहे हैं, बस सांस आ रही है जा रही है, गुरु चित्र है, ज्योति है या कोई और है, बाहर मन चंचल नहीं हो रहा है, लेकिन एक विषय में डूबा हुआ है, एकाग्र है। ये भी बड़ी बात है, जब मन अच्छी तरह से देर तक किसी एक विषय में एकाग्र हो जाता है और हमारा यह अभ्यास जारी रहता है, तब पांचवी भूमि आती है निरुद्ध। निरुद्ध का मतलब है रोक देना पूरी तरह से, फिर उसमें कोई विचार नहीं है, न सांस देखना है, न ज्योति देखना है, न गुरु चित्र को देखना है, न कुछ सोचना ही नहीं है। निरुद्ध का मतलब है रुका हुआ, विचारों का प्रवाह ही रुक गया, कुछ नहीं सोचना, जिसके लिए कहा गया है ध्यानम निर्विषयम मना, मन का निर्विषय हो जाना, पूरी तरह से शांत स्थिर, इसको कहा गया अप्रज्ञात समाधि, जहां कुछ नहीं जाना जाता है, लेकिन जानने वाला कुछ नहीं को जानने वाला तब भी रहता है,
वो आप है। निरुद्ध, पूरी तरह से मन का रुक जाना, विचारों के क्रम का, विचारों प्रवाह का शांत हो जाना। यहां साहब कहते हैं अंतस्थिर, अंतःकरण पूरी तरह से स्थिर हो, शांत हो, तब यथार्थ शोधन हो पाएगा, अपने आप का सही बोध हो पाएगा। अभी हम जो जानते हैं एक जानकारी है, वह ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारा मन अभी भटकता रहता है, चंचल होता रहता है। पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, पूर्ण बोध हो जाएगा, तो मन कहीं बाहर भटकेगा नहीं, ललचाएगा नहीं। अब मन ही स्थिर नहीं है तो स्वरूप का सही बोध कैसे हो पाएगा? तो पहला सूत्र है अंतस्थिर, अंतःकरण का शांत हो जाना, मन में किसी प्रकार का कोई विचार ना आना, निर्विचार दशा है। फिर लेकिन ये होगा कैसे? ज्वाला रहित, विषयों की ज्वाला ना हो, इच्छा कामना तृष्णा की कोई ज्वाला ना हो, चाहनाओं की ज्वाला ना हो, राग द्वेष की ज्वाला की आग ना जलती हो। सामान्यतः तो आदमी के मन में काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या घृणा इच्छा कामना तृष्णा की आग हर समय धधकती रहती है। और जब विषयों की ज्वाला रात दिन धधक रही है तो स्वरूप शोधन होने की कोई बात ही नहीं है वहां पर। वहां तो फिर अशांत में जीवन बीत जाएगा, दुखों से घिरा रहेगा मन। और होता क्या है, इन विषयों की ज्वालाओं को, विषयों की आग को जलाए रखना हम मानते हैं यही जीवन है। कोई ना कोई इच्छा हमारे सामने बनी रहती है। अब एक सामान्य इच्छा होती है जीवन निर्वाह के, तो वो अलग बात है, उसके लिए आदमी परेशान नहीं होता है। लेकिन तमाम देखने सुनने खाने पीने भोगने की जो लालसा है, यही आदमी को भटकाती है। श्री विशाल साहब ने एक और साखी कही है, इच्छा जहर स्वरूप है, चाखत माते जीव, मृतक होए निपद से न्यारा रहे सो शिव। इच्छा युद्ध निस्दिन करो और से बोलो ना है, नाश करो जय शत्रु को और शत्रु को ही ना है। इच्छा जहर स्वरूप है, चाखत माते जीव। सदगुरु कहते हैं कि इच्छा जहर के समान है। शांत बैठे हैं, मन में कोई बेचैनी नहीं है, अचानक मन में इच्छा खड़ी हो गई, अमुक चीज खाना चाहिए, अमुक चीज देखना चाहिए, अमुक से मिलना चाहिए, अमुक भोगना चाहिए, इच्छा खड़ी हो गई। अब बेचैन व्याकुल आदमी, कैसे वो चीज देखने को मिले, कैसे
कैसे वो जगह देखने को मिले, कैसे वो चीज़ खाने को मिले, कैसे वो भोग भोगने को मिले, चंचलता। अभी तक कोई दुख नहीं था मन में, कोई हलचल नहीं थी। इच्छा जैसे खड़ी हुई, आदमी अपने में रह नहीं जाता है, परवश गुलाम बन जाता है। इसलिए कहा गया कि इच्छा जहर स्वरूप है चाखत माते जी। जैसे चखने का मतलब क्या है, इच्छा करते ही आदमी बेहोश मानो हो जाता है, मतवाला पागल जैसा, मृतक हो ही निज पद से। निज पद से अपना जो शांति पद है, स्थिर पद है, आनंद पद है, उसे वो मर जाता है, क्योंकि अपने में रह नहीं गया। कोई इच्छा नहीं थी। जब सोचें, जब आपके मन में किसी चीज की कोई इच्छा नहीं रहती है, उसमें कौन सा दुख रहता है? आप अपने में होते हो। अपने में होते हैं इसलिए कोई दुख नहीं होता। और जैसे इच्छा खड़ी होती है, हम अपने में नहीं रह जाते, दुनिया में बिक जाते हैं, अब बस दुखों से घिर जाते हैं। इच्छा खड़ी होते ही मृतक हुए निज पद से, अपने शांति पद, आत्म पद से हम गिर जाते हैं। न्यारा रहे सो शिव, इस इच्छा से जो अलग हो जाता है वो शिव है, कल्याण स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। जिस समय कोई इच्छा मन में नहीं है आप, उसमें आप शिव रूप हैं, कल्याण रूप, मंगल रूप, दुखहीन दशा में है। इसलिए साहब कहते हैं, इच्छा युद्ध निज दिन करो और से बोलो ना ही, नाश करो यह शत्रु को और शत्रु को ही ना है। और किसी को बस में करने को मत सोचो। इच्छाएं शांत कैसे हो, इस पर सोचो। इस इच्छा रूपी शत्रु को यदि जीत लिए तो बाहर और कोई शत्रु है नहीं। बाहर शत्रु हम मानते हैं, एक हमारी भावना है, बाहर कोई शत्रु नहीं है। असली शत्रु है रागात्मक इच्छा, लालसा, कामना। और इस शत्रु को हम बड़े प्यार से पालते रहते हैं, गले से लगा करके रखते हैं हमेशा, बहुत प्यारा है। लेकिन यही दुखों का घर बनता है, हम जान नहीं पाते। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि मुझे सत्संग में जाने की इच्छा, आपकी इच्छा यहाँ इस शिविर में आने की हुई, कभी आपकी इच्छा संतों से मिलने की हुई, कभी आपकी इच्छा सदग्रंथ पढ़ने की हुई, अच्छा काम करने की हुई, तब क्या करें? क्या ऐसी इच्छाएं भी ना करें? पहली बात ये सोचो कि ऐसी इच्छाएं होती कितनी बार है। ऐसी इच्छाएं यदि है तो बहुत बढ़िया बात है, बना कर रखो। फिर ये इच्छा, सो इच्छा इच्छा नहीं सो तो इच्छा काट। ध्यान करने की इच्छा, सत्संग करने की इच्छा, ग्रंथ पढ़ने की इच्छा, शुभ काम करने की इच्छा, ये इच्छा नहीं है, इच्छा को काटने का शस्त्र है। इच्छा किसे कहते हैं? पहले ये बात, जो बाहर से हम सुख पाना चाहते हैं, देखकर, सुनकर, छूकर, भोगकर, मिलकर, ये इच्छा परेशान करती है। और इसी इच्छा की ज्वाला हर समय मन में धधकती रहती है। तो इच्छाओं की ज्वाला से पीड़ित आदमी स्वरूप का शोधन कैसे कर सकता है? यथार्थ जो सत्य तत्व है उसका शोधन कैसे कर सकता है? ज्वाला रहित मन
इच्छा कामना वासनाओं की ज्वाला से रहित होना चाहिए। कोई इच्छा करने का आवश्यकता नहीं, मेहनत करें बस। मेहनत करते जाएं करते जाएं, जीवन निर्वाह के लिए आपको जो चाहिए सारी चीजें मिलती चली जाएगी। इच्छा से कोई काम थोड़े होता है, काम तो पूरा होता है मेहनत से। लगन पूर्वक जब आप काम करेंगे काम बढ़िया होगा, फल बढ़िया आएगा, मन आनंदित रहेगा। इच्छा बहुत ज्यादा है, मेहनत हम करना नहीं चाहते, मेहनत से घबराते हैं, आलसी बनकर बैठे रहते हैं, करते भी हैं तो थोड़ा बहुत बिना मन के बिना प्रेम के, तो फल बढ़िया नहीं आता तो और दुखी हो जाते हैं। तो इच्छा कामना तृष्णा की ज्वाला से मन रहित हो, राग द्वेष की ज्वाला से मन रहित हो। जहां जहां हमें अनुकूलता मिलती है, जो प्राणी जो पदार्थ जो परिस्थिति अनुकूल जान पड़ते हैं, वहां हम राग बना लेते हैं, और जो जो प्राणी पदार्थ परिस्थिति प्रतिकूल जान पड़ते हैं हम वहां द्वेष बना रहते हैं। और राग और द्वेष की आग में हमारा अंतःकरण रात दिन जलता रहता है। राग द्वेष की ज्वाला में जलना हो में जलता हुआ आदमी आत्म साक्षात्कार का काम कैसे कर सकता है? न विषयों की ज्वाला हो न राग द्वेष की ज्वाला हो। हकीकत तो यह है, विषय और जो इच्छा और कामना की ज्वाला शांत हो जाए तो राग द्वेष की ज्वाला उठने का अवसर ही नहीं आएगा। जितनी इच्छा कामना तृष्णा होती है उतने ही हम राग द्वेष के शिकार बन जाते हैं। तो किसी प्रकार की ज्वाला ना हो, शीतल मन। अभय, निर्भय हो मन। हमारे मन में हर समय भय बना रहता है, जो चीजें मिली हुई है ये छूट न जाए। क्या भय करने से डरने से चीजें छूटेगी नहीं? जो छूटने वाली चीजें हैं वो तो छूट करके ही रहेगी, फिर भय क्यों? सबसे बड़ा भय तो होता है मृत्यु का, मर न जाऊं हर समय हर समय। और मृत्यु का भय बहुत गहराई से गड़ा हुआ है, इसीलिए योग दर्शन में इसको अभिनिवेश कहा गया है। पांच क्लेश योग दर्शन में बताया गया है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। जैसे जो मूढ़ लोग हैं अज्ञानी, जैसे मूढ़ों के मन में गहराई से धंसा हुआ है, वैसे ही विद्वान और ज्ञानी कहलाने वालों के मन में भी जो गहराई से धंसा हुआ है वह मृत्यु भय अभिनिवेश है। और मृत्यु भय का अर्थ है अज्ञान, देहाभिमान, देहाशक्ति। अभी बेकार की बात है, हर आदमी को ये विश्वास करना चाहिए, विश्वास का ये बात अपने मन में दृढ़ रखना चाहिए, और हकीकत है ये, केवल विश्वास की बात नहीं है, कि आप जीवन में केवल एक बार मरोगे,
दो बार तो नहीं, दो बार तो कोई आदमी नहीं मरता, एक ही बार मरना है। और तभी जब प्रारब्ध पूरा होगा, जिन कर्मों के फल भोग के लिए इस वर्तमान जीवन का निर्माण हुआ है, उन सारे कर्मों का फल भोग जब पूरा हो जाएगा तो मौत हो जाएगी, फिर कोई आपको बचा नहीं पाएगा। और जब तक प्राप्त कर्मों का फल भोग पूरा नहीं होगा, दुनिया में किसी में ताकत नहीं है जो आपको मार सके। लेकिन मृत्यु का भय बहुत गहराई से गड़ा हुआ है, पदे पदे हम भयभीत रहते हैं। और इसके अलावा तो रोग लगने का भय है, साथियों के साथ छूट जाने का भय है, साथियों के विरोधी विद्रोही हो जाने का भय है, जो चीजें मिली हुई है उनके नाश हो जाने का, छूट जाने का भय है। ये सब बेकार के भय हैं। ये तो जीवन यात्रा है, चीजें मिलती जुलती रहती है, प्राणी पदार्थ भी मिलते बिछुड़ते रहते हैं, किसका संयोग सदा काल बना रहता है। निर्भय हो जाए कि एक ही बार ही मौत आएगी, और निर्भयता ही अमरता है। जब तक पूरी तरह से निर्भय नहीं होंगे, तब तक मन डोलायमान बना रहेगा और हम यथार्थ का शोधन नहीं कर पाएंगे। यदि स्वरूप का बोध हो जाएगा तो भय भी नहीं होगा। मृत्यु का भय क्यों होता है? जितना जितना हम अपने आप को शरीर से जोड़ करके रखते हैं और ये भाव मन में बना रहता है कि मैं शरीर हूं, कहने को तो हम कह देते हैं कि शरीर मिट्टी पानी आग हवा से बना हुआ है, जड़ तत्वों का ठाठ है, हड्डियों का ढांचा है, मांस भरा है, चाम लपेटा है, मलमूत्र का पिटारा है। ये ऊपर ऊपर की बात है, केवल जबानी ज्ञान है, जबानी सौदा है। इस भाव में मन टिका कहाँ रहता है? यदि सचमुच में ये भाव मन में बना रहे तो मौत का भय कैसे होगा? सावधानी रखी जाएगी, जो सावधानी है, परहेज है, संयम है करना, वो तो पूरा का पूरा रखे। लेकिन मृत्यु भय के पीछे मूल कारण है देहाशक्ति। प्रबल रूप से देहाशक्ति मन में बने रहना। अब देहाशक्ति जब हम मान रहे हैं कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, तो स्वरूप का शोधन कैसे हो पाएगा? इसके साथ साथ हम अपने आप को जितना शरीर से जोड़ करके रखते हैं, उतनी निंदा सुन करके दुखी होते हैं और प्रशंसा सुन करके खुश होते हैं। जब आप शरीर नहीं हैं, शुद्ध चेतन हैं, तो शुद्ध चेतन की तो निंदा होती नहीं है, उसकी वो निंदा कैसे करेगा? शुद्ध चेतन की प्रशंसा भी नहीं होती है, चेतन क्या प्रशंसा है? निंदा होती है शरीर के नाम के रूप की, प्रशंसा होती है शरीर के नाम और रूप की। और आप तो शरीर है नहीं, मैं तो शरीर हूं नहीं, इस शरीर का नाम रखा गया है व्यवहार के लिए। जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो शरीर का नाम भी मैं कैसे हो सकता हूं? और जब शरीर ने शरीर का नाम रहे नहीं हूं, तो इस नाम की निंदा सुन करके
दुखी क्यों हो रहा हूँ? दुखी हो रहा मतलब मैंने अपने आप को शरीर से जोड़ करके रखा है। इस शरीर का जो नाम है उस नाम को लेकर कोई प्रसन्नता कर रहा है, सुनकर मैं खुश हो रहा हूं, मैं मान रहा हूं मैं शरीर हूं, फिर तो हम फूलते पचकते रहेंगे। तो फिर स्वरूप शोधन कैसे हो पाएगा? निर्भयता की आवश्यकता है। जो सावधानी रखना है, परहेज करना है, संयम से रहना है, साधना चरना वो करें, लेकिन मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है और न ही चीज़ों के छूट जाने की आवश्यकता, जो चीज़ों के छूट जाने का जो डर है उसकी कोई आवश्यकता है। कितनी भी चीज़ें हैं छूट जाएगी तो भी विश्वास रखो कि जीवन भर आपको खाने पीने को मिलता रहेगा। हाँ, आप हाथ पैर मारते रहो। जानवरों के पास क्या है? न खेत है, न खलिहान है, न घर है, न बैंक बैलेंस है, न रुपये पैसे है, न कोठी में अनाज है। अपना पेट वो भर ले रहे हैं, फिर हम तो आदमी हैं। और जानवर भयभीत नहीं होता, जानवरों को कोई डर नहीं रहता, निश्चिंत निर्भय। और हम आदमी होकर के कितने भयभीत हैं, जानवरों से भी भयभीत हैं। अभय की आवश्यकता है, साथ साथ न चिंता, जब चिंता रहित होने की आवश्यकता है। चिंता भी छूटने की होती है, ये न बिगड़ जाए, वो न बिगड़ जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। क्या चिंता करने से कोई काम बना है आज तक? चिंता तो अपना बनाया रोग, और रात दिन आदमी चिंता की आग में जल रहा है, रात दिन जल रहा है। वे धन्य हैं जिन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। आदमी कहा सोचता कि चिंता कैसे ना करें, चिंता कैसे नहीं होगी। अपने मन से लोग दूसरों को तौलते हैं। गुरुदेव जी बताया करते थे, बहुत पुरानी घटना होगी, तब आजकल जैसे साधन नहीं थे कि बसें भी बहुत कम चलती थी, तो गुरुदेव जी कहते थे कि एक बार मैं बस से यात्रा कर रहा था और कोई सज्जन बैठे थे, कुछ पूछे बात हुई, एक ने पूछा महाराज आपको कोई चिंता होती है कि नहीं होती है? तो गुरुदेव जी ने कहा कि मैंने कहा मुझे कोई चिंता नहीं होती है। कि कोई चिंता नहीं होती आपको? नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है। आश्चर्य, कैसे चिंता नहीं होती आपको? कोई कह दे मुझे चिंता नहीं होती तो लोग आश्चर्य करेंगे, क्योंकि चिंता में आदमी का मन डूबा हुआ है। जितना प्रारब्ध पर विश्वास होगा उतना आप चिंता से मुक्त होगे। प्रारब्ध पर विश्वास नहीं है, अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है, इसलिए आप चिंता में डूबे रहते हैं। इसलिए संत लोग कहा करते हैं कि पहले प्रारब्ध बना, अब तब शरीर बना। किन किन कर्मों का फल भोग होना है, जिस प्रकृति का जो नियम है, हमारे कर्मों का जो नियम है, उन कर्मों के नियम से तय हो गया कि किन किन कर्मों का फल भोग किस शरीर से मिलना है, किस रूप में मिलना है, सुख रूप में, दुख रूप में मिलना है, उसके पश्चात शरीर बना है। तो सब कुछ बना हुआ है, तो है
जो सुख दुख आना ही है, अच्छे बुरे कर्मों का वो भोगना ही भोगना है, बचा नहीं जा सकता, तो चिंता क्यों करें? चिंता आदत, न हुआ दुख भोगना। जो हकीकत का दुख है, वास्तविक दुख, उससे आदमी कम पीड़ित है। आदमी अधिकतम पीड़ित है जो दुख अभी आया ही नहीं है। ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, वैसा होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये काम बिगड़ जाएगा तो क्या हुआ, बिगड़ा नहीं है, हुआ नहीं है, लेकिन सोच सोच करके न हुआ दुख पैदा कर रहा है आदमी, और रात दिन उसी से जल रहा है। तो चिंता में जो डूबा हुआ आदमी है, वो स्वरूप शोधन क्या करेगा? आप अपने प्रारब्ध पर विश्वास रखें, जो मेरे तकदीर में है वो होकर के रहेगा, अदृश्य है, कोई बता नहीं सकता कि कैसी घटना आगे आगे घटने वाली है, कोई नहीं बता सकता है, किसी के जीवन के बारे में नहीं बता सकता है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? बस वर्तमान में अपना काम करते चले। इसलिए मैं निवेदन करता हूं प्रायः कि आप के धन को कोई छीन सकता है, रुपये पैसे को, जमीन जायदाद को छीन सकता है, मठ मकान को छीन सकता है, दुकान व्यापार गाड़ी घोड़े को कोई छीन सकता है, यहाँ तक शरीर में आपने जो कपड़ा पहना है, कुछ गहना पहना है, उसको भी लोग छीन सकते हैं, लेकिन दुनिया में किसी में ताकत नहीं आपकी तकदीर को छीन सके, किसी में ताकत नहीं है कि आपकी तकदीर को छीन सके। बाढ़ आएगी, होता ऐसी बाढ़ आ जाए कि आपके फसल, आपके घर द्वार, सारी चीजें बह जाए, लेकिन कितनी भी बाढ़ आ जाए, कितनी भी बाढ़ आ जाए, आपकी तकदीर नहीं बहेगी, ये विश्वास रखो। कैसी भी आग लग जाए, आपकी तकदीर नहीं जलेगी, घर द्वार मठ मकान भले जल जाएगा। दुनिया में किसी में ताकत नहीं कि आपकी तकदीर को छीन सके, किसी बाढ़ में ताकत नहीं आपकी जो तकदीर उसे बहा सके, और किसी आग में ताकत नहीं आपकी तकदीर को जला सके, फिर भी चिंता किस बात की, लेकिन उस पर विश्वास नहीं है, न तो अपने कर्म पर विश्वास, न भाग्य पर विश्वास, चिंता चिंता चिंता, रात दिन डूबा रहता है आदमी चिंता में, और चिंता के मूल में भी है विषयाशक्ति। जितनी आसक्ति होगी, जितनी चाहना होगी, उतने अधिक चिंता होगी, और आसक्ति चाहना चिंता है तो आत्मशोधन की बात तो संभव ही नहीं है। सद्गुरु कहते हैं चिंता रहित मन, फिक्र रहित मन नीरस जन, फिर चिंता फिक्र की बात है, कोई फिक्र नहीं करना है, निफिक्र नीरस मन का नीरस हो जाना, नीरस का यहां अर्थ उदासीन होना नहीं है, यहां नीरस का अर्थ है बाहर की जो चीजें हैं जिनको देख देखकर मन ललचाता रहता है, जिनकी कामनाओं में डूबा रहता है, वे सारी की सारी चीजें फीके जानने पड़ने लग जाए, तुच्छ निरस जानने पड़े। जब तक बाहर की चीजें सरस जान पड़ेगी,
तब तक अपना आपा निरस जान पड़ेगा, फिर भीतर मन प्रवेश नहीं करेगा। हम सुख मान, इसमें सुख है, उसमें सुख है, वो इसमें सुख है, वो चीज़ बढ़िया है, वो चीज़ बढ़िया है, वो चीज़ बढ़िया है। जब इसी भावना में मन बहता रहेगा तो अंतर्मुख कहाँ से होगा, कैसे हो पाएगा? अब मन का अंतर्मुख हुए बिना यथा शोधन का काम कैसे हो पाएगा? इसलिए निरस्ता, निर मतलब उदासीनता। साहब ने एक पद में कहा है, जग से रहे उदासी, जो संसारिक भोगों से उदास हो जाता है वहां सुख की लालसा नहीं है, उसे अविनाशी आत्मा का बोध होगा। हदीस में हजरत मोहम्मद के वचन माने जाते हैं, उन्होंने कहा है, जो दुनिया से उदास रहता है और कम बोलता है उसकी संगत करना, वहां से तुम्हें रोशनी मिलेगी। बात हर जगह कही जाती है, तरीके अलग हो जा सकते हैं, बस रास्ता वही है। जितने भी साधक हुए हैं सबका अपना अनुभव एक जैसा रहा, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। सदगुरु कबीर कहते हैं, जितने समझदार हुए हैं, जितने साधना परायण हुए हैं, जो बहिर्मुक्ता लौट करके अंतर्मुक्ता की साधना किए हैं, सबकी दशा एक जैसी है, सबका अनुभव एक जैसा है। बाहरी मान्यताओं में, सिद्धांतों में, धार्मिक क्रियाकलाप पूजा पाठ में अंतर हो है और रहेगा, लेकिन जो अंतर्मुक्ता की साधना है, जो बाहर से मन लौटा करके आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, ऐसे सभी संतों साधकों का अनुभव एक जैसा रहा है। तो यहाँ निरत होने का अर्थ है बाहर का सब कुछ फीका लगना। अब बाहर जब मीठा लग रहा है तो साधना तो फीकी लगेगी। ध्यान में बैठने को मन क्यों नहीं कहता? मन क्यों बार बार भागता है? क्योंकि बाहर के जो चीजें हैं वे बड़ी मीठी लग जान पड़ रही है, अभी सुखद जान पड़ती है। और जो चीज़ें बड़ी मीठी जान पड़ती है, सुखद जान पड़ती है, कीमती जान पड़ती है, मन तो उधर ही दौड़ेगा ना बार बार। पहले ये सोच लेना है कि साधना मीठी लग रही है, ध्यान करना मीठा लग रहा है, या इंद्रियों के जो विषय हैं देखने सुनने के आदि के, ये मीठे लग रहे हैं। शिकायत हम करते हैं कि मन ध्यान में रुकता नहीं, ठहरता नहीं है, भागता है। कभी शिकायत नहीं करते क्या करता है कि मन को तो बाहर चीजें बड़ी मीठी लगती है, उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। तो जब मीठी लग रही है तो स्वाभाविक है, जो चीज़ें मीठी लगेगी, अच्छी लगेगी, मन उधर दौड़ेगा, उसे चिंतन करेगा। जब वो चीज़ें निरस जान पड़ेगी, फीकी जान पड़ेगी, कड़वी जान पड़ेगी, दुखद जान पड़ेगी, तब ये साधना ध्यान चिंतन का काम मीठा लगेगा। और जब मीठा लगेगा तो अपने आप मन रुक जाएगा। साहब कहते हैं, स्वरूप शोधन करना है तो मन निरस हो जाए, उदासीन हो जाए, उधर से बाहर कहीं दौड़े ना। और दौड़ता रहेगा जब तक, तब तक अंतर यात्रा शुरू नहीं होगी। बाहर जब निरस लगेगा तब भीतर सरस लगेगा, बाहर जब फीका लगेगा तब अंतर
मीठा लगेगा और तब मन उसमें डूबेगा और तब स्वरूप का शोधन होगा, आत्म साक्षात्कार का काम होगा। अब ये चीजें हम नहीं करते हैं, ये काम हम नहीं करते। हम जो करते हैं सब बाहर बाहर से करते हैं, ऊपर ऊपर से करते हैं, डूब करके नहीं करते, समर्पित होकर के नहीं करते। और किसी क्षेत्र में पूरी सफलता पाने के लिए पूरे समर्पण की आवश्यकता होती है, पूरा समर्पण। वही मात्र एकमात्र वही जान पड़े, हमेशा लक्ष्य उसी पर ही हो, मन उसी पर ही डूबा हुआ हो। और हमारा लक्ष्य तो बटा हुआ है ना, आधा इधर आधा उधर आधा उधर। या विधि मन को लगावे, मन को लगाए प्रभु पावे, कबीर साहब नाम से भजन से अनेक उदाहरण दिया हुआ है। पहले महिलाएं अभी भी राजस्थान तरफ के तरफ जाओ, दो दो तीन तीन घड़ा लेकर के महिलाएं जाती पानी भरने के लिए, 1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पानी लाती है, दो दो तीन तीन घड़ा सिर पर रखी हुई है, बगल में भी घड़ा दबाई हुई है, लेकिन सखियों से बात कर रही है, हाथ मटका करके ये करके ऊपर सब सारी बातें कर रही है, हंसती है बोलती चलती है, लेकिन मन कहाँ रहता है? घड़े पर। वो गिरता नहीं है कोई घड़ा। ऐसे अनेक उदाहरण दिया गया है। ऐसे ही जो भी काम करना है वो काम करें, लेकिन मन लक्ष्य पर। किसी युवती को जब पहला बच्चा होता है तो जो भी काम वो करती है ध्यान बच्चे पर ही रहता उसका होता है, चाहे जो काम कर रही हो, क्योंकि बच्चे के लिए अत्यंत प्रेम है। क्या ऐसे प्रेम हमारा कल्याण के लिए है, साधना के लिए है? नहीं है तो कहाँ से हो पाएगा। उसी के लिए सदगुरु विशाल साहब यहाँ पर सूत्र बताते हैं, अंतस्थिर ज्वाला रहित अभय न चिंता जब, फिक्र रहित मन निरज शोध यथार्थ तब, अंतःकरण शांत हो हलचल रहित, विषयों की इच्छाओं तृष्णा राग द्वेष की ज्वाला से रहित हो, निर्भय हो, किसी छुटने का भय ना हो, चिंता रहित हो, निश्चिंत और बाहर से उदासीन, बाहर से मन निरस, शोध यथार्थ तब, तब अपने स्वरूप का यथार्थ शोधन हो पाएगा और तब उसमें मन पूरी तरह से डूब जाएगा। और जो हम चाहते हैं वहां, चाहे ये कहें कि वह मिल जाएगा कहें या पाप या वहां हम पहुंच जाएंगे कहें, सब कुछ हो जाएगा। इसी जीवन में हम पूर्ण आत्म साक्षात्कार का काम करके आत्मकल्याण का अनुभव कर सकते हैं। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।